अगर आप लोगों ने अपनी परीक्षाओं की, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे, तो आप लोग भली भांति जानते भी होंगे कि जो आपके सैनिक अभ्यास होते हैं दो देशों की सेनाओं के बीच, उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि जापान और भारत के बीच एक अभ्यास, सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। ये कहाँ किया जा रहा है? आप देखेंगे कर्नाटक में बेलगांव में, और आप देखिए कि ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में, और इसमें आप देखेंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक, दक्षिण भारत में। कहां देखने को मिलेगा? कर्नाटक, ये आपका दक्षिण भारत में। और जापान की बात करें तो आप देखेंगे एशिया में ही आपको जापान देखने को मिल जाएगा, और ये आपका जापान, और इसकी राजधानी आप सभी जानते हैं कि टोक्यो है जापान की राजधानी। तो आप देखेंगे 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च की मध्य भारत और जापान के बीच एक संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 विदेशी प्रशिक्षण नोड बेलगांव गावी या बेलगांव गाम कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। तो इस अभ्यास का क्या नाम है? धर्म गार्जियन, ठीक है। और अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 की बात करें, यानी 2022 की बात करें, तो अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2018 से भारत में आयोजित किया जा रहा है, और इसके अभ्यास के दायरे में आप देखेंगे जंगल और अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में संचालित प्लाटून स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण शामिल है। और संयुक्त अभ्यास कार्यक्रम में हाउस इंटरवेंशन ड्रिल, अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी, प्राथमिक चिकित्सा, निहत्थी मुकाबला और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट फायरिंग शामिल है, जहां दोनों पक्ष संयुक्त रूप से संभावित खतरों को निष्फल करने के लिए अच्छी तरह से विकसित सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला को प्रशिक्षित योजना और निष्पादित करते हैं। वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए सामरिक कौशल बलों के बीच अंतर संचालन और सेनाओं के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देने का विशेष जोर दिया जाता है, और इस तरह की अभ्यास करने का उद्देश्य यही होता है कि जो तकनीक, जो कौशल हमारे पास है वो सामने वाले के पास जाए, उससे कुछ सीखा जाए। समझ रहे हैं आप लोग? और भारत जापान के बीच कुछ और भी आप देखेंगे सैन्य अभ्यास होते हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखा करिएगा। कई बार क्या होता है कि पूछ लेता है कि ये सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है, ठीक है। तो मालाबार, भारत और जापान संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार नामक नौसैनिक युद्ध अभ्यास में भाग लेते हैं। तो मालाबार 4 देशों के बीच होता है, भारत इसमें शामिल है, जापान भी, संयुक्त राज्य अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी। जिम्बैक्स नौसेना के बीच होता है, ये भी आपका भारत और जापान। सैन्यू मैत्री ये वायुसेना के बीच होता है, भारत और जापान के बीच। तो इनके बारे में यही पॉइंट आपको याद रखिएगा, और आप लोग अगर करेंट अफेयर्स से जुड़े रहते हैं, न्यूज़पेपर फॉलो करते रहते हैं, तो आप लोग इनके बारे में सामान्य जानकारी अपने पास रख भी लेते हैं, ठीक।